एक एरोमेटिक वुड होती है साउथ इंडिया में एक कुछ पर्टिकुलर स्पॉट्स में ये नेचुरली ग्रो करती है कुछ जगह पे ग्रो करवाई जाती है और सैंडलवुड जो है उसके ऊपर एक डिजीज है जिसको कहा जाता है इट इज सी सैंडल स्पाइक डिजीज बेसिकली ये क्या करता है कि अल्टीमेटली इट स्टार्ट फ्रॉम हेयर कि आपके जो लीव्स हैं वो छोटी हो जाती है है ना और उसके बाद में द ट्री अल्टीमेटली डाइज और क्योंकि इसकी इकोनॉमिक वायबिलिटी बहुत ज्यादा है सैंडलवुड की और हम इसको कल्टीवेट भी कर रहे हैं और वैसे भी इनवायरमेंट के अंदर कोई डिजीज अगर हो इस टाइप की जो पेड़ों को नुकसान पहुंचा रही इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न एंड पार्ट ऑफ सिलेबस एज वेल लेट्स सी इट इज एन इंफेक्शियस डिजीज विच इज कॉज बाय फाइटोप्लाज्मा है well. yeah, ना अब या तो ये डायरेक्टली आपके आपको वहां पे वर्ड देखने को मिल सकता है है yeah, ना कि फाइटोप्लाज्मा आपको वहां देखने को मिलेगा फाइटोप्लाज्मा है क्या फाइटोप्लाज्मास आर बैक्टीरियल पैरासाइट्स ऑफ प्लांट टिश्यूज

चीज इंपॉर्टेंट है यहाँ इसके ऊपर जो सवाल है वो कुछ इसके अराउंड भी है हालांकि मैंने हिंट दे दिया पहले बट इट्स ओके द डिजीज वॉज फर्स्ट रिपोर्टेड इन कुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट अराउंड नाइनटीन हंड्रेड दो तीन जगह अलग अलग डेट्स हैं इसकी कहीं पे आपको एटीन नाइनटी सेवन दिखेगा जीरो थ्री दिखेगा तो रफली पीरियड यही है कि, कि किसी ने पहले रिकॉर्ड किया किसी ने बाद में किया पर हंड्रेड्स के अराउंड ये रिकॉर्ड हो गया है द डिजीज इज वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव डिजीजेज ऑफ सैंडल ट्री एंड इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट ट्री एंड इज प्रेवलेंट

इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन आता है तो जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सैंडल ट्री के बारे में कोई क्वेश्चन आता है तो जिन जगहों पर भी इनवायरमेंट ऐसा होगा जैसा कि इन तीन स्टेट्स में रहता है कर्नाटका केरला एंड तमिलनाडु में ऑल ओवर दी सैंडल ट्री उग सकता है राइट सो so, थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन आए तो ये थोड़ा सा इंटर रिलेट करके हमें निकालना होता है कि यार ये कहना क्या चाह रहा है, है ना अगेन इट विल डिपेंड ऑन दी क्वेश्चन की पूछ क्या रहा है बट इन इस टाइप के स्टेटमेंट से वो चीज जो है वो हाईलाइट होती है और वैसे जो डिजीज है शिया इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिम्टम्स क्या है बहुत में देखते, पूरा देखने की जरूरत नहीं है लीव का जो साइज है वो छोटा हो जाता है और डिस्टेंस भी है वो कम हो जाता है, है ना द न्यू लीव आर फर्दर रिस्ड इन साइज और बाकी सब नहीं है अल्टीमेटली इन्फेक्टेड प्लांट ड्राइज अप एंड डाइज है ना तो ये है इसके सिम्टम बेसिकली लीव और उससे आपको जो है स्टेजि का पता लगता है एडवांस स्टेज के अंदर लीव बेडिश और येलो बट मेन सिम्टम यही है कि इसके लीव छोटे हो जाते हैं और जो नोड है वो पास पास आ जाते हैं कंट्रोल मेजर क्या है ऐसे केस में सबसे पहले यही दिमाग में आता है कंट्रोल मेजर नो स्पेसिफिक मेथड टू कंट्रोल द डिजीज अभी तक डेवलप हुआ है हाउ एवर एक एडवाइजरी है कि प्लांटिंग ऑफ माइसूर गम ट्रीज है ना एट अ डिस्टेंस ऑफ टेन ट्वेंटी मीटर्स वो आपके प्लांट को इन्फेक्शन से बचा सकता है ऑब्जर्वेशनल साइंस एंड ये होता है तो इसलिए यहाँ पे है प्रीलिम में शायद ना पूछे बिकॉज एस्टेब्लिश नहीं है uh, पर नॉलेज के लिए अच्छा है इफ यू आर यूजिंग इन में कहीं आ गया या कहीं एज ए रेफरेंस यूज कर रहे हो तो दिस इज द दोल्यूशन पार्ट वेरी सिंपल क्वेश्चन पॉज द वीडियो एंड अटेम्प्ट इट आई मूव फॉरवर्ड सेंडल स्पाइक डिजीज इज कॉज आंसर इज बैक्टीरिया सिंपल इनफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई नेम इज रोहित गर्चर नई वीडियो के साथ आते हैं आपके पास जल्दी ही दिस इज अभिमन्यू आई